नाज़रीन, वेलकम बैक। आप लोग अभी भी देख रहे हैं चाय टाइम का स्पेशल एपिसोड, जहां हम पैराग्लाइडिंग कवर करने आए हैं मुबारक विलेज, विच इज़ राइट बिटवीन बलोचिस्तान एंड सिंध में, बिटवीन क्या बोलूँ, वैसे इन पहाड़ियों के पीछे बलोचिस्तान है और इन पहाड़ियों पर जो आप देख रहे हैं वो अभी रेडी होने वाले हैं टू टेक हिज फ्लाइट। फ्लाइट कहा जाता है पैराग्लाइडिंग में जब उड़ान होती है। वाह वाह, उड़ान होती है जब ऊपर जाते हैं। ऐसी बहुत दफ़ा हमने देखा था अभी कि लोग उड़ने की कोशिश कर रहे थे और पूरे अपने पैराशूट कहते हैं इसको, टूटे हुए पर हो गया टूटे उनके साथ वो नीचे आके धड़म करके। जी मैं जाले ही कहते कि हमारे साथ भी यही होने वाला है। और आप देख रहे हैं, आप भी देख सकते हैं, गिर गए सनिया और मैं। एक्चुअली जब आ रहे थे यहाँ पे चल चल के काफ़ी देर, तो हमने कहा हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। फिर हमने जब फर्स्ट टाइम एक किसी को पार्टिसिपेंट को गिरते हुए देखा बिफोर द फ्लाइट, हमने सोचा नहीं हम अपने प्रोडक्शन की टीम को करवा देंगे हम नहीं करेंगे, क्योंकि यू नो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, इसलिए क्योंकि ये स्टीप नहीं है। हाँ चले, हम इस बहाने आप लोगों को ये भी बता दें कि प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं लोकेशन वाइज भी पैराग्लाइडिंग के। अभी हम इंतजामिया से भी बात करेंगे, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, हु इज आल्सो अ गाइड, उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा रिस्की नहीं है। अपार्ट फ्रॉम अगर आप जोर से गिर जाएँ तो सकता है जॉइंट्स पॉइंट में थोड़ा हो, बट इट्स नॉट फेटल। हाँ इट्स नॉट फेटल, इट्स नॉट लाइक बंजी जंपिंग और एक और भी चीज़ कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, वर्टिकल जंप, पता नहीं एक और चीज़ होती है, खैर इट्स नॉट लाइक दैट। फ्री फॉल और इस तरह की चीज़ों से बेहतर है। हाँ तो मतलब इन चीज़ों में तो फेटल कहा जा सकता है। सनिया आप थोड़ा कैमरा को देखें। नहीं मैं ये देख रही हूँ कैसी हैं आप, हाँ ड्रिंक विंक पी लिया आपने, अच्छा सब कुछ पी लिया, पर ये कि बहुत दूर है एक तो नाज़रीन, ये कभी आप आना चाहें तो मुबारक विलेज का बोल के ना लोग आपको लेके आएंगे यहाँ पर और यहाँ पे पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। लेकिन उस जगह गाड़ी खड़ी करने के बाद जब आप यहाँ तक पहुँचते हैं ना तो इट टेक यू एन आवर समथिंग, और उसके बाद आप यहाँ पे पहुँचेंगे और फिर उसके बाद पता चले कि करना मुश्किल है थोड़ा सा, बिकॉज यू नो आप 10 दफ़ा गिरते हैं यहाँ पर, लेकिन गिरते हैं क्या, शहसवार ही मैदान जंग में वो कुफर क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, तिफल क्या गिरे जो कुफर कुफर वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अच्छा मैंने गलत बोला, ओह बचपन से यही बोल रही हूँ मैं तो। खैर नाज़रीन, सनिया ने मेरी करेक्शन तो कर दी। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे वाइट सैंड बीच की और हम आपको वहाँ लेके जाएंगे, एक्चुअली वहाँ पर ऑब्वियसली कैमराज आर नॉट अलाउड, वो एक यू नो सिक्लूडेड एरिया है और सिक्योर्ड एरिया है, तो हम आपको वो नहीं दिखा सकते, कोई बात नहीं, हम पिक्चर्स पोस्ट कर देंगे। सनिया प्रॉमिस करो अगर हम जाएंगे तो पिक्चर्स हम पोस्ट कर देंगे चाय टाइम के पेज पर। लाखों लोगों को नहीं पता होगा हमारे यहाँ की पैराग्लाइडिंग होती भी है। अपेरेंटली हम पूछेंगे, अभी हम उनसे बात कर रहे हैं, नसीम साहब उनका नाम है, वो सईद साहब उनका नाम है, जब वो नीचे आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि कितना होता है, कब कब होता है, आप लोग तक भी इंफॉर्मेशन फराम करेंगे कि आप लोग यहाँ पर किस तरह आ सकते हैं, क्या इसकी प्री बुकिंग होती है या इट्स अ वॉक इन सर्विस, हर चीज़ हम पता करेंगे आपके लिए, कब तक ये वाला पैराग्लाइडिंग इवेंट चल रहा है ये भी हम पालन करके आप लोगों को बताएंगे। लेकिन अभी हम वेट करें फॉर द पर्सन टू टेक हिज फ्लाइट प्रॉपरली टेक हिज फ्लाइट। एंड यहाँ पे और अगर कोई हमें मिल जाता है इससे हम बात करें तो हम सिक्योरिटी के लोगों से बात कर सकते हैं, या कोई लोग जो स्टैंड बाय हैं जो चाह रहे हैं, पहले कुछ लोग ऐसे भी आए हुए हैं यहाँ 2-3 जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसी है, मुश्किल तो नहीं है, इज़ इट वेरी टेक्निकल, हमारी तरह हाँ देख रहे हैं कि ज़्यादा छोटे मोटे तो लगेंगी दिमागी या फिजिकल, नहीं होगा तो हम जाएंगे। बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी वाले एरिया है, इसमें पत्थर वत्थर इतने नहीं है, तो चढ़ने में भी मसला नहीं होता। यस अच्छा खैर सनिया, आप आप बड़ी एक्साइटेड थी कि हम बलोचिस्तान के बड़े पास हैं, इसके पीछे बलोचिस्तान है, अगर आप इतना चल के आ गई तो हम बलोचिस्तान चलें, बलोचिस्तान जा सकती हूँ। I can go and meet a lot of people. मैं आपको माइक क्यों दे रही हूँ, आपको मैं बहुत देर से मुझे माइक दे रही हूँ, कितनी स्वीट हूँ सनिया, चलो देने दो, बट ये कि पहाड़ों के पीछे बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान में बहुत ही जाने माने लोग हमारे रहते हैं, इसमें रईसानी साहब, हाँ रईसानी साहब जी, जिनको टबाको बनाने का शौक है। अच्छा नाज़रीन एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊँ, जब आप लोग किसी भी इस तरह के जगहों पर ड्राई एरियाज़ में आप ट्रैवल करते हैं, मैं एक सेफ्टी टिप बता रही हूँ, वैसे हर किसी को पता होता है, लेकिन ट्राई टू हाइड्रेट योर सेल्फ, पानी पीते रहें, अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि योर वाटर रन्स आउट फ्रॉम योर बॉडी, आप किसी किस्म का ड्रिंक पिए, हाई एनर्जी ड्रिंक पी लें या पानी तो कंटिन्यूसली पीते रहें, चाहे वो रूम टेम्परेचर ही क्यों ना हो, क्योंकि इस तरह के एरिया में चलने से एनर्जी बहुत डाउन होती है। अभी तो फिलहाल गर्मियाँ शुरू नहीं हुई कराची में प्रॉपरली, मगर गर्मियों में सनिया को मैं कही थी कि अगर हम गलती से मई जून में आए तो बहुत बुरा हाल होगा। बिल्कुल बहुत देर से बातें कर रहे हैं सनिया, अब हम इंतजार करते हैं, आप ने ब्रेक तो नहीं लेना भी, लेकिन ये कि जैसे ही वो लोग वापस आते हैं उतर के कोई आता है फिर फ्लाइट लेता है नीचे आता है तो हम आपकी उनसे बात करेंगे। एक सेकंड, हम अगर कैमरा पैन करें तो वहाँ पे बैग्स भी कुछ रखे हैं, हम वो भी देखते हैं, वहाँ देखें सामान है लोगों का, कुछ लोगों का तो पर्सनल सामान है लेकिन उसके साथ कुछ बैग्स भी पड़े हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ मैं किसी ऐसे ऑर्गेनाइजर से बात करूँ
जिनसे मैं हर किस्म के एंगल पे बात करूँ कि सामान क्या चाहिए होता है, किस किस्म के जूते लाने चाहिए, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में तो हम बीची साइड पे जा रहे हैं तो हमने चप्पल पहनी हुई भी थी, तो यू नो यू शुड नो द प्रॉपर फ्लाइट भाई, आने वाली फ्लाइट आने वाली है, आने वाली है। अच्छा अच्छा नाज़रीन, अब हम लोग साइड पे हट जाते हैं और आपको हम दिखाते हैं दोनों तरफ से, ऊपर से भी आप लोगों को शॉर्ट्स दिख रहे होंगे और आपको नीचे से भी दिखाएंगे हम। इंस्ट्रक्टर रशीद साहब है, इंस्ट्रक्टर रशीद साहब जो है वो फ्लाइट करके दिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं लोगों को भाई इस तरह की जाती है, हर वक्त नहीं है जी। तो सनिया हम इंस्पेक्टर से इंस्ट्रक्टर, हमारे साथ इतना हरेसमेंट हुई है आते आते कि हमारे हर कोई इंस्पेक्टर लग रहा है। इंस्ट्रक्टर रशीद जो है हम देखते हैं कि वो कैसे करेंगे फ्लाइट। सनिया हम उनको बकअप नहीं कर सकते, नहीं जाला आवाज नहीं जाएगी, बलोचिस्तान चल जाएगी हमारी आवाज। वैसे हवा के रुख में आवाज भी जाती है, आपको पता है इट कैरीज। आपने मुझे काट दिया, मैं इतनी अच्छी बातें कर रही थी। उन्होंने मुझे बोला कि आ रहे हैं सईद इंस्ट्रक्टर साहब, क्या नाम था, रशीद इंस्ट्रक्टर। सईद साहब जो है वो यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं, इंसान बात करेगा जो देखभाल कर रहे हैं इतने सारे लोगों से। आई वॉज एक्सपेक्टिंग नाज़रीन के बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में एक्साइटेड होंगे और आएंगे, बट द टर्न आउट इज़ नॉट दैट ग्रेट, काफ़ी कम लोग हैं। मैं जो आप लोगों को कही थी बिफोर द फ्लाइट टेक्स प्लेस वो ये था कि प्रॉपर गेयर का पता करके आएगा, किस किस्म के कपड़े, किस किस्म के जूते, किस किस्म का सन ब्लॉक, क्योंकि आप ऐसी जगह पर हैं हवा जो है वो साथ नहीं दे रही नाज़रीन। हम पे तो काफ़ी हवा आ रही है, उस साइड से नहीं आ रही है डायरेक्शन। अच्छा हाँ, अगेन अनदर चीज़, हम लोग ऐसे खड़े हुए थे देर से बातें कर रहे हैं तो ऑब्जर्व करने में हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं। सामने का खाने पीने की अशिया क्या लाइट होना चाहिए, कितना ज़्यादा खा के आप इतनी दूर चल के आएँ, लिक्विड रखें और किस किस्म के क्या कहते हैं टोपोग्राफी पर या किस किस्म के क्या कहते हैं सुनिया उसको ट्रेन पर ये होना चाहिए, क्योंकि विंड डायरेक्शन नहीं होगी, विंड नहीं होगी, रुख नहीं होगा तो पैराग्लाइडिंग नहीं हो सकती। तो ये भी हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने ये साइट कोई ख़ास रीज़न थी जो सेलेक्ट करी है फॉर पैराग्लाइडिंग, क्योंकि यहाँ पर अभी तो हम देख रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में हवा जा रही है तो ज़रा प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को पैराग्लाइड करते हुए। तो हम पूछेंगे उनसे, रफीद साहब भी जब वो फ्लाइट अपनी ख़त्म करेंगे वील कैच हिम राइट देयर एंड देन, आस्क हिम कि क्या उनको क्यों ये अच्छा लगता है, खाली वो इस चीज़ को इंस्ट्रक्ट करते हैं या और भी कोई स्पोर्टिंग इवेंट्स को यू नो वो करते हैं इंस्ट्रक्ट। हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, बल्कि आप कहीं मत जाएं, आप हमारे शॉर्ट्स देखते रहें एंड फ्लाइट होने वाली है शुरू और हो गई है नाज़रीन एंड देयर यू गो वूहू। भाई इंस्पेक्टर या इंस्ट्रक्टर है तो बड़े कूल, ज्यादा हवा चले तो निकल ऊपर ही जाना निकल जाए। नहीं नहीं सनिया फिट है, एरोप्लेन नहीं है कि वो नीचे कैसे आएंगे ये जी। आप देख रहे हैं कि फ्लाइट हो रहा है, आई हैव अ क्वेश्चन, और ये आ गए नीचे और गिर भी गए, नहीं बिल्कुल नहीं, वेरी गुड लैंडिंग एक्चुअली, क्योंकि आपको अपने टोज को बचाना होता है बेसिकली जब आप इस तरह की चीज़ लैंड करते हैं। हम कोशिश करते हैं इंस्ट्रक्टर रशीद से बात करने की, चले चले में हम इस चीज के लिए, मगर बड़ी फिट आपकी फ्लाइट थी। अच्छा मुझे बताएं कि ये आप कब से कर रहे हैं रशीद साहब? इमेक हैज बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट मोर देन 3 इयर्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। वी वर इन इस्लामाबाद देन लाहौर and a lot of request on Karachi people, we came to Karachi. intervals pe hota hai, proper intervals pe hota hai ya har saal hi pure waqt hota hai? Karachi mein we are coming on regular basis, we came on 1st January, 10 din ka hamara pehla trip tha January mein, and now we are again for 7 days or every month we are planning to come and bring this sport over here. Nazi har month aayenge. Acha all the way from Islamabad we come and bring this. Acha Islamabad taluq rakhte hain. Mujhe ye bataye paragliding ke alawa yahan koi aur aap koi aur cheez ke instruct karte hain ya only paragliding mein aap expect? खाली सिर्फ पैराग्लाइडिंग ही नहीं है जी, स्नॉर्कलिंग भी लेके आ रहे हैं। एक होता है आपकी पैरासेल जो कि टोटल आपके समुद्र के बीच में बोट के ऊपर से टेक ऑफ करती है, हाँ, पैरासेल वो लेके आ रहे हैं। नॉर्मली होती है वो ग्राउंड से होती है, हम वो लेके आ रहे हैं जो इंशाल्लाह पानी के अंदर ही टेक ऑफ हो और पानी के अंदर ही लैंडिंग भी हो जाए। टेक ऑफ नहीं होगा आपको, अगर लोग पीपल लाइक कि यार पानी में नहीं जाना, तो अगर जो पानी में नहीं जाए तो उसको नहीं भी जाना पड़ेगा, वही कर सकता है इसका इंशाल्लाह इसी साल। अच्छा रशीद साहब ये बताएं आपने कहाँ से ट्रेनिंग इसकी खुद ली है?
Our instructor is Mr. Ajay Khan. He's ex-army से हैं. अच्छा, तो फिर ये ट्रेनिंग प्रॉपर्ली मिली होगी. हाँ, ये प्रोवाइड करते हैं. मैं इसलिए मैं खुद टेक ऑफ कर लिया. क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं when you're just coming from there? द बेस्ट प्रिकॉशन वो यही है कि आप ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली लें. ट्रेनिंग कितने अर्से ट्रेनिंग? इट डिपेंड्स ऑन कपल ऑफ आवर्स. आप जितनी जल्दी उसको पिकअप कर लेते हैं, आप उसको समझ जाते हैं, तो इट टेक्स लेस टाइम. वो टोटली इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड करता है. इंस्ट्रक्टर देखता है कि यार एक पार्टिसिपेंट ने उसको समझ लिया है, उसके पास कंट्रोल है कि नहीं है. अब जिस तरह आपने देखा अभी मैंने फ्लाई किया इस कंडीशन में. अच्छा, जो आ रहा है उनको आप क्या बोलेंगे कि वो क्या किस किस्म का गेयर पहन के आए? क्या चीज़ सिंपल हमारी होती है, जॉगर्स, जीन्स, फुल स्लीव शर्ट्स. ठीक है. हवा का कितना वो है? मुझे हाँ ये पूछना था कि आप जब सेलेक्ट करते हैं साइट, कोई क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं, और ये साइट सेलेक्ट करने का क्या था, क्या वजह? अच्छा, इस साइट को तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान की सबसे गोल्डन साइट. उसकी वजह ये है कि हाँ, पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं भी इस तरह की सैंडी साइट नहीं मिलती. आपको स्लाइड लगे, कुछ भी हो, पूरे पाकिस्तान में ढूंढने के बाद मिली आपको जगह ये? हॉक्स बे से पीछे से हम क्लाइम करना शुरू हुए, डिफरेंट माउंटेन्स करते रहे, देन वी फाइनली हमें ये साइट मिली. वाज अ लॉन्ग वे. सारे पहाड़ बिल्कुल पथरीले हैं. नॉर्मली आपको पूरी दुनिया में भी बहुत कम साइट्स हैं, यहाँ पे भी आपको रियली साइट्स नहीं मिलती, क्योंकि बहुत ड्यूनी है, मतलब सैंड ड्यून जैसा ही ऊंचा साइट. बिगनर्स के लिहाज से इससे अच्छी साइट पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं. इनफैक्ट अगर आप पाकिस्तान दुनिया में ढूंढेंगे तो आई डाउट. ओवर कितना होता है वैसे, हर दिन कितने लोग आ जाते हैं? थोड़ा सा लोगों को पता भी नहीं हमारे, मेरे ख्याल में ऐसी सवाल उन्होंने, लेकिन लोगों को आइडिया तो बहुत पता है, लेकिन बाकी आप लोग भी हमें लाइक. हाँ, कितने सारे लोग हैं वैसे रोजाना, और टाइमिंग्स क्या है आपको? हम कोशिश करते हैं इसको एज सून एज पॉसिबल, जितना भी सुबह बन जल्दी हो सके, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जो है विंड लेवल लो होता है, मौसम भी अच्छा होता है, और थ्रू आउट द वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग अर्ली मॉर्निंग ही होती है टिल इवनिंग. ओके, और वैसे तो डिपेंड करता है कि पार्टिसिपेंट जब खत्म हो गए हैं. नॉर्मली हम लंच टाइम या असर के वक्त वी आर हेडिंग बैक. एक्चुअली आप सोचते हैं कोई रेस्टोरेंट बना देना चाहिए वैसे? देखिए, हमारा नॉर्मली ये होता है कि थ्रू आउट आर एक्टिविटीज़ पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी हम जाते हैं, सबसे पहले तो हम लोकल्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं बीच में. वी गिव देम यू नो कि उनको काम मिलता है. यहाँ मुबारक वाले साथ ही है, उस पर भी हम सोच रहे हैं कि यार काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना इंक्लूड की जा सकती है, कि यार रस्ते में कोई शॉप्स वगैरह नहीं है जो कि बीच में लाई जाएँ. बेसिक पर्पज़ ये है कि यार एलीट क्लास यहाँ पर आएगी, यू नो देयर मोर पीपल व्हेन यहाँ पर. द चार्जेस क्या हैं? राइट नाउ वी चार्जिंग 7500. Includes everything, training, aapki flights, aapki and how many days? It's a one-day course basically. One day basic training course for paragliding. Okay, great. 7,500 rupees per day. Per day. And usme subah usually se early morning aana chahiye. Early morning. Okay. Then it wo ek din ke liye hoti hai training aur sab cheez involve usi mein. Pura package aapka. Great. Thank you so much.